हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का जो फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट है उसके यूनिट थ्री को आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट थ्री जो कि दिया गया है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, मीन्स इंट्रोडक्शन टू प्लांट टिश्यू कल्चर। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के, और उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं लैब में फॉर द टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, इसमें क्या किया जाता है, प्लांट्स के अंदर ऐसे टेक्नोलॉजी या टेक्निक अप्लाई करके उस प्लांट के क्वालिटी को, उसकी यील्डिंग को इम्प्रूव किया जाता है या कोई डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप किया जाता है बाय दी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो आइए जानते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है क्या। प्लांट टिश्यू कल्चर में जो कल्चर होता है इसका मतलब होता है ग्रोथ कराना। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या हुआ, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट्स के सेल्स को लेते हैं, या तो प्लांट्स के टिश्यू को लिया जाता है या प्लांट्स के कोई स्पेसिफिक ऑर्गन को लेते हैं। ऑर्गन मतलब कि पार्ट ऑफ द प्लांट को लिया जाता है, जैसे कि लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट है। इसको लेने के बाद ये क्या किया जाता है, इन प्लांट्स के सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन को लेने के बाद इसको एक प्रॉपर आर्टिफिशियल कंडीशन में उसको लैब में कल्टिवेट कराया जाता है। कल्टिवेट कराया जाता है मतलब कि इन प्लांट्स के सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन को ग्रो कराया जाता है अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। तो आर्टिफिशियल कंडीशन क्या होता है, आर्टिफिशियल कंडीशन में मतलब कि इन प्लांट्स के सेल्स या टिश्यू को हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट मीडिया जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, उस न्यूट्रिएंट मीडिया में इन सेल्स या टिश्यू को ग्रोथ कराते हैं अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मीन्स आर्टिफिशियल कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इन द लैब फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू। तो आर्टिफिशियल कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या आता है, उसमें प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन और लाइट प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्लांट सेल्स और टिश्यू। प्लांट सेल्स और टिश्यू के अकॉर्डिंग हम इन एनवायरमेंटल कंडीशन को हम लैब में कंट्रोल करते हैं, उसको क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली। और क्यों करते हैं, मीन्स प्लांट के सेल्स या टिश्यू को आर्टिफिशियली क्यों ग्रो कराया जाता है इन द न्यूट्रिएंट मीडिया, फॉर द रीजनरेशन ऑफ द प्लांट्स, मीन्स उस सेल्स या टिश्यू से प्लांट्स को रीजनरेट करने के लिए और उन प्लांट्स के सेल्स या टिश्यू से प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को डिफाइन किया है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर इज द इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स और टिश्यू अंडर द एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन मतलब क्या होता है, ऐसा लैब में कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है जो कि कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो प्लांट सेल्स और टिश्यू को एसेप्टिक कंडीशन में ग्रो कराते हैं अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, मीन्स कंट्रोल्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन एंड लाइट इन द लिक्विड और सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया, मीन्स लिक्विड या सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया में इस प्लांट सेल्स या टिश्यू को ग्रो कराया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड टू रीजनरेट द प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये प्रोटीन्स, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है, और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से सिंथेसाइज होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिफरेंट फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए एज अ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ऐसा ड्रग यूज किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ डिसीज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और साथ ही लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को रीजनरेट करने के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक करते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो प्लांट्स के सेल्स या टिश्यू किस तरीके से एक नए प्लांट में रीजनरेट होते हैं या किस तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं, मींस क्या कारण होता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो टेक्निक होता है ये बेस्ड होता है ऑन द टू यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहला जो है वो है टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, और दूसरा होता है प्लास्टिसिटी। तो टोटीपोटेंसी मतलब क्या होता है, ये जो टोटी होता है इसका मतलब होता है टोटल और पोटेंसी मतलब होता है एबिलिटी। तो टोटीपोटेंसी क्या हुआ,
टोटिपोटेंसी मतलब होता है प्लांट सेल की एबिलिटी टू डेवलप इनटू द होल प्लांट्स, मतलब एक प्लांट्स के सेल से होल कंप्लीट जो प्लांट जो है रीजनरेट हो सकता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, मीन्स प्लांट्स के सेल्स या टिश्यू जो है एक कंप्लीट प्लांट में रीजनरेट कैसे हो जाते हैं, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज टोटिपोटेंसी। उसके बाद जो दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी होती है प्लांट टिश्यू के वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी को हम ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल की एडेप्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी। एडेप्टेबिलिटी मतलब प्लांट सेल को अगर हम ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन या ऐसे आर्टिफिशियल कंडीशन या न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं तो वो प्लांट सेल अपने आप को एडेप्ट करने के लिए, मीन्स उस एनवायरमेंट में सूट करने के लिए अपने ग्रोथ और जो मेटाबॉलिक पाथवे को वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सूट दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, तो उसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो यही दोनों यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिस पे प्लांट टिश्यू कल्चर बेस्ड है, मीन्स प्लांट सेल की इसी दोनों प्रॉपर्टी की वजह से, मीन्स टोटिपोटेंसी और प्लास्टिसिटी की वजह से ही जो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट्स के सेल्स लेते हैं या टिश्यू लेते हैं और उसको ग्रो कराते हैं इन द आर्टिफिशियल एनवायरमेंटल कंडीशन एंड आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में जब उसको ग्रो कराया जाता है, तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से ये जो प्लांट सेल्स हैं ये टिश्यू जो है ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं और एक नए प्लांट में वो रीजनरेट होते हैं और दूसरा सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर को समझाने के लिए इन जनरल डायग्राम बनाया हुआ है। तो क्या किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में? प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमको टिश्यू कल्चर करना है और उस प्लांट को सिलेक्ट करने के बाद उसके स्पेसिफिक पार्ट को कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक पार्ट को मतलब उस प्लांट्स के या तो सेल्स को आइसोलेट किया जाता है या तो टिश्यू को या तो कोई स्पेसिफिक पार्ट को लेते हैं, जैसे कि रूट के टिप को लिया जाता है या तो रूट के टिप को लेते हैं या तो पार्ट जैसे कि लीव्स, फ्लावर या बर्ड को यूज़ किया जाता है और इन पार्ट्स को यूज किया जाता है फॉर द टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे कि लीफ लिया हुआ है और इस लीफ को सरफेस स्ट्राइशन करने के बाद क्या किया जाता है, इन लीव्स को या जो पार्ट हम लेते हैं उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लिया जाता है और ये स्मॉल पीसेस जो हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए, इसी को हम एक्सप्लांट बोलते हैं और इस एक्सप्लांट को अंडर द एसेप्टिक कंडीशन उसको ट्रांसफर किया जाता है इन द न्यूट्रिएंट मीडिया और इस न्यूट्रिएंट मीडिया में ये जो एक्सप्लांट है, मींस जो पीसेस ऑफ जो है या जो भी हम पार्ट लिए हैं वो इस न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद ये प्लांटलेट्स में डेवलप होता है। प्लांटलेट्स क्या होते हैं? जो स्मॉल यंग प्लांट्स होते हैं उसमें ये डेवलप होता है और ये प्लांटलेट्स जो है न्यू लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स में ये डेवलप होता है। तो इस तरीके से हम प्लांट्स के एक स्पेसिफिक पार्ट्स या टिश्यू और सेल को लेके हम एक नया प्लांट जो है रीजनरेट कर सकते हैं बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक। और या तो हम जब प्लांट्स का सेल को आइसोलेट करते हैं तो उसको भी न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको ग्रो कराया जाता है और उस सेल से भी प्लांट्स को रीजनरेट कर सकते हैं या तो उस सेल का सस्पेंशन कल्चर करके, सस्पेंशन कल्चर मतलब उस सेल को हम लिक्विड मीडिया में उसको ग्रोथ करा के प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो टेक्निक होता है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस लिखे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के ओवर द कॉन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है प्लांट टिश्यू कल्चर का ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन वो है रेगुलर एंड यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल। बहुत से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनका जो कल्टीवेशन होता है ट्रेडिशनल मेथड से वो बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे उस मेडिसिनल प्लांट्स का प्रोडक्शन भी सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं हो पाता। तो उस मेडिसिनल प्लांट से जो क्रूड ड्रग ऑप्टेन होता है और उस क्रूड ड्रग से जो बायोकेमिकल्स या कह सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो आइसोलेट किया जाता है वो भी सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। मेडिसिनल प्लांट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कि ऐसे इंडस्ट्री जो कि मेडिसिनल प्लांट्स पे बेस्ड होते हैं, मीन्स उस मेडिसिनल प्लांट से जो क्रूड ड्रग ऑप्टेन होते हैं उस क्रूड ड्रग से वो बायोकेमिकल्स ऑप्टेन करते हैं और ये बायोकेमिकल्स को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम इन मेडिसिनल प्लांट्स का लार्ज नंबर में उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि इन मेडिसिनल प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री को रेगुलर और यूनिफॉर्म सप्लाई हो सके, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट्स के स्पेसिफिक स्मॉल पार्ट को लेके या टिश्यू को लेके लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को रीजनरेट किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है प्लांट टिश्यू कल्चर का इज टू ओवरकम द फ्लक्चुएशन इन क्वालिटी।
तो ये दूसरा एडवांटेज है ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड में प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है इन द सॉइल, मीन्स प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए प्लांट्स के सीड्स को लेते हैं या किसी किसी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को लिया जाता है और उसको सॉइल में ग्रो कराते हैं। और ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इसकी जो क्वालिटी होती है ये क्वालिटी अफेक्ट होती है बाय द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस मेडिसिनल प्लांट्स की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि क्लाइमेट, सीजन हो गया, या प्लांट्स में अगर कोई डिसीज हो गया तो वो अल्टीमेटली प्लांट्स की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं बाय द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। लेकिन अगर हम उस प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, मीन्स ग्रो कराते हैं बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, तो हम जितने भी एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उस प्लांट्स के सेल्स या टिश्यू को, वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाता है और इस एनवायरमेंटल कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर उसका लाइट या प्रॉपर उसकी ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो प्लांट डेवलप होता है बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक उसकी क्वालिटी जो है वेरी नहीं होती है। तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से जो ट्रेडिशनल मेथड से जो फ्लक्चुएशन होता है मेडिसिनल प्लांट्स की क्वालिटी में उसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। उसके बाद थर्ड एडवांटेज है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का, वो है डिजीज फ्री प्लांट, मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम ऐसे प्लांट्स को डेवलप कर सके जो कि डिजीज फ्री हो। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन में जो प्लांट्स जो डेवलप होते हैं उसमें डिसीज होने के चांसेस होते हैं, बट प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम डिसीज फ्री प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि हम उस प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं अंडर द एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन मतलब ऐसे कंडीशन जो कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये हो गया तीसरा एडवांटेज, मीन्स बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक वी डेवलप डिसीज फ्री प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है ईजी प्योरिफिकेशन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन किया जाता है इन द सेल कल्चर, तो उसमें क्या करते हैं उस जो केमिकल कंपाउंड्स को हम इजिली जो है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से अनवॉन्टेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। और हम प्लांट सेल कल्चर टेक्निक से हम ऐसे केमिकल कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं जिसका नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से सिंथेसिस या तो डिफिकल्ट होता है या तो इम्पॉसिबल होता है। तो इन केमिकल कंपाउंड्स का हम प्लांट सेल कल्चर में सिंथेसिस करते हैं और ये सिंथेसाइज होता है बाय द बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में एक केमिकल कंपाउंड जो है ट्रांसफॉर्म होता है, मीन्स कन्वर्ट होता है इनटू द डिफरेंट केमिकल कंपाउंड बाय द केमिकल रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स लिविंग सिस्टम में अगर एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो किस तरीके से किया जाता है, प्लांट सेल कल्चर में उसको सेल कल्चर मीडिया में सब्सट्रेट को डाला जाता है और वो सब्सट्रेट जो है प्लांट सेल क्या करता है उस सब्सट्रेट को यूटिलाइज करता है और उसको दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हम बायोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से केमिकल कंपाउंड के। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है मॉडिफिकेशन इन द केमिकल स्ट्रक्चर, मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड का बहुत ही ईजिली जो है उसके केमिकल स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडवांटेज है वो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम किसी भी क्रॉप्स के या मेडिसिनल प्लांट्स के क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी को इम्प्रूव करना मतलब होता है हम उन मेडिसिनल प्लांट्स के यील्डिंग को बढ़ा सकते हैं या तो कोई ऐसा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप किया जाता है या उसके अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन होता है उसको भी एनहांस कर सकते हैं, मीन्स ऐसे प्लांट्स को हम डेवलप करते हैं जिसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाती है बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स के स्पीसीज है जिसका हम ट्रेडिशनल मेथड से उसका हाइब्रिडाइजेशन कर पाना मुश्किल होता है। तो क्या किया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से इन प्लांट स्पीसीज का इजिली हम उसका हाइब्रिड प्लांट डेवलप कर सकते हैं बाय द क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। तो क्या किया जाता है इसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए दो डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज या वैराइटीज को लिया जाता है जिसमें वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है और उसके बाद उन प्लांट्स के सोमेटिक सेल को आइसोलेट किया जाता है। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, सोमेटिक सेल्स मतलब होता है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स और इन सोमेटिक सेल्स से प्रोटोप्लास्ट को डेवलप किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल, मतलब उन सेल से सेल वॉल को रिमूव करते हैं और जो सेल बचता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये दो प्लांट्स की स्पीसीज है, वैरायटी है, उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया जाता है बाय यूजिंग केमिकल और फ्यूज होने के बाद ये जो सेल डेवलप होता है इसको हम हाइब्रिड सेल बोलते हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू इस हाइब्रिड सेल से हम एक नए प्लांट्स को रीजनरेट करते हैं और ये जो नया प्लांट है ये हाइब्रिड प्लांट कहलाता है जिसमें वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है जो वो डिफरेंट प्लांट्स या स्पीसीज में प्रेजेंट होता है।
तो इस तरीके से हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम हाइब्रिड प्लांट डेवलप कर सकते हैं और उस प्लांट्स के मीन्स मेडिसिनल प्लांट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का, वो है बायोसिंथेटिक पाथवे ट्रेसिंग। बायोसिंथेटिक पाथवे ट्रेसिंग क्या होता है? मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का किस तरीके से सिंथेसिस होता है, मीन्स क्या क्या उसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सिंथेसिस के लिए, तो उसको ट्रेस करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, लेबल्ड जो प्रिकर्सर को, लेबल्ड रेडियो एक्टिव लेबल प्रिकर्सर को उस कल्चर मीडिया में ऐड किया जाता है और उस कल्चर मीडिया में जो लेबल्ड प्रिकर्सर होता है वो प्लांट सेल यूटिलाइज करता है और उसके बाद जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में वो क्या होता है इन्वॉल्व होता है, जिससे हम डिफरेंट जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसको हम इजिली ट्रेस कर सकते हैं बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर लैब्स, मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए लैब में क्या क्या ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है इक्विपमेंट्स एंड एपरेटस। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं वो है हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव हो गया, लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट हो गया, ये एसेप्टिक कैबिनेट बोल सकते हैं, इंक्यूबेटर हो गया, बीओडी इंक्यूबेटर, ये यूटिलाइज किया जाता है फॉर द टिश्यू कल्चर टेक्निक। और डिफरेंट एपरेटस जैसे कल्चर वेसल, कल्चर वेसल मतलब जिसमें हम प्लांट्स के टिश्यू या सेल को कल्चर करते हैं, तो या तो वो लार्ज साइज टेस्ट ट्यूब यूज किया जाता है, या तो कॉनिकल फ्लास्क यूज किया जाता है, या उसमें हम पेट्री डिश में इसको कल्चर करते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं एपरेटस के। उसके अलावा वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए जितने भी ग्लासवेयर्स या एपरेटस यूज करते हैं उसको स्टरलाइजेशन से पहले उसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है, और उसके बाद वहां पे वॉशिंग फैसिलिटी के अलावा वहां पे डिस्टिल वाटर, डबल डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज वाटर की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, साथ ही जितने भी ग्लासवेयर ऑपरेटर्स के जो वॉश करने के बाद उनकी स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है मीडिया प्रिपरेशन रूम। मीडिया प्रिपरेशन रूम जहां पे उस प्लांट सेल्स या टिश्यू के अकॉर्डिंग जो है न्यूट्रिएंट मीडिया को प्रिपेयर किया जाता है, या तो लिक्विड या तो सेमी सॉलिड मीडिया, तो वो सारे केमिकल्स जो है अवेलेबल होने चाहिए और वो सारे इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस अवेलेबल होने चाहिए उस न्यूट्रिएंट मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टरलाइजेशन रूम। जितने भी ग्लासवेयर्स या एपरेटस यूज़ किए जाते हैं और जितनी भी चीज़ें जो है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए यूज़ करते हैं और न्यूट्रिएंट मीडिया, इसको स्टरलाइज किया जाता है, तो स्टरलाइजेशन किससे करते हैं? बाय द हॉट एयर ओवन या तो ऑटोक्लेव से। जो न्यूट्रिएंट मीडिया हम यूज़ करते हैं उसको ऑटोक्लेव से स्टरलाइज किया जाता है बिफोर द टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो प्रॉपर स्टरलाइजेशन रूम होना चाहिए जहाँ पे स्टरलाइज करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स या एपरेटस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एसेप्टिक चैम्बर फॉर द कल्चर ट्रांसफर। तो क्या किया जाता है, जो हम प्लांट्स के सेल्स लेते हैं या टिश्यू लिया जाता है या अगर हमको न्यूट्रिएंट मीडिया को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसको एसेप्टिक कंडीशन में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हमको इसको करने के लिए एसेप्टिक कैबिनेट की ज़रूरत होती है। तो जो एसेप्टिक कैबिनेट यूज़ किया जाता है वो कहलाता है लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कल्चर रूम या इंक्यूबेटर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए जो हम प्लांट्स के सेल्स लेते हैं या टिश्यू लिया जाता है या प्लांट्स के पार्ट को लिया जाता है, उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। तो प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मतलब कि उस टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी है, लाइट, इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो जो कल्चर मीडिया है जिसमें कि हमने प्लांट टिश्यू को ट्रांसफर किया है उसके ग्रोथ के लिए, उसके कल्चर के लिए हम उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर में वो सारे जो फैक्टर्स है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग एरिया। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग एरिया में क्या होता है, ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम प्लांट्स के सेल्स लेते हैं, प्लांट्स के टिश्यू को उसको ग्रो कराया जाता है, वो उसको मेंटेन कराया जाता है, तो ये ग्रोथ और मेंटेनेंस के जो डाटा होते हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको प्रॉपर कंप्यूटर में इस डाटा को रिकॉर्ड करके फीड करके रखा जाता है। तो इसकी फैसिलिटी होनी चाहिए इन द टिश्यू कल्चर लैब। तो ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताया कि टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होता है और क्या क्या एडवांटेज होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, और क्या होते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स टिश्यू कल्चर लैब के फॉर द टिश्यू कल्चर टेक्निक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। थैंक यू।